अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं यू बी टेक जज्बा। इस वीडियो के अंदर हम हुआवे मेट 10 लाइट को अनबॉक्सिंग करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये कोई पहली अनबॉक्सिंग नहीं है। मोबाइल ऑलरेडी अनबॉक्स हो चुका है और सेटअप भी हो चुका है, लेकिन इस वीडियो के अंदर एक बार दोबारा से आपको दिखाने के लिए हम अनबॉक्सिंग करेंगे। और डिब्बे के साइड पर आपको मिलेगा हुआवे डिज़ाइन लिखा हुआ और कुछ इस तरह का जो है वो इस फ़ोन का बॉक्स है। अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं और ये ओके। तो फ़ोन मिल रहा है आपको और सिम इजेक्टर टूल मिल रहा है आपको। फ़ोन को हम निकाल लेते हैं और फ़ोन ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं और ऑन भी है। फ़ोन को हम साइड पे रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। अब इसके अंदर दो बॉक्सेस आपको छोटे छोटे मिलेंगे। हम पहले इस बॉक्स को निकाल लेते हैं और इसके अंदर आपको सबसे पहले वारंटी कार्ड मिल रहा है, इसको साइड पर रखते हैं। फिर आपको मिल रहा है चार्जर मिला है, जो कि सिंपल चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं है। आप देख सकते हैं 2 एम्पीयर चार्जर है, तो आप फास्ट चार्जिंग बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें। इसी के साथ आपको यूएसबी केबल मिलेगी, जो कि माइक्रो यूएसबी केबल है और यूएसबी टाइप सी नहीं है, तो माइक्रो यूएसबी केबल आपको मिलेगी और हैंड फ्री मिल जाएगी। अब ये हैंड फ्री बहुत ही बेसिक सी रखी गई है, ज़्यादा कुछ आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, काफ़ी बेसिक हैंड फ्री है। ये था इस बॉक्स में। अब हम दूसरे बॉक्स की तरफ चलते हैं। ओके, इसमें हमें मिल रहा है बुकलेट मिल रही है, गाइड मिल रही है। नॉर्मली हम पढ़ते नहीं हैं क्योंकि सारे मोबाइल ऑलमोस्ट एक ही तरीके से सेटअप होते हैं। तो साथ में हमें मिल रहा है प्लास्टिक का बैक कवर। बैक कवर आप देख सकते हैं बीच में से थोड़ा फेडेड है, देखने में अच्छा लग रहा है। और ये साथ में मिल रहा है, आपको सेपरेटली परचेज नहीं करना पड़ेगा। अब हम इन सारी चीज़ों को साइड पर रखें और फ़ोन की तरफ चले। तो फ़ोन ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया। बैक पे आपको मिलेंगे डुअल कैमरास, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, ऊपर फ्लैश मिल जाएगी। और बॉटम में बात करें बैक की, तो आपको हुआवे की ब्रांडिंग मिल जाएगी और कुछ चीज़ें लिखी हुई मिल जाएगी। टॉप पे फ्रंट के ऊपर आपको डुअल कैमरास मिल रहे हैं, ईयरपीस मिल रहा है, सेंसर मिल रहे हैं, नीचे हुआवे की ब्रांडिंग मिल रही है। साइड पे आपको वॉल्यूम बटन, जो वॉल्यूम रॉकर है, वो मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको पावर बटन मिल जाएगा। और दूसरी साइड पे आपको सिम जैक मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपनी सिम इंसर्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले आप देख सकते हैं 5.9 इंच का डिस्प्ले है और डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। 1080p डिस्प्ले है, फुल HD रखा गया है यहाँ पर, और जो कि 18:9 रेशियो डिस्प्ले है बेजललेस नेट जेड के साथ। एंड्रॉयड वर्जन चेक कर ले तो एंड्रॉयड वर्जन आपको 7.0 मिल रहा है और ये एक अच्छी बात है, लेकिन एंड्रॉयड ओरियो आ चुका है। अब अपडेट आती है कि नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। इसी के साथ साथ हम स्टोरेज चेक करें तो 64 GB की स्टोरेज है, इस पर आपको 40 GB देख रही है, फ्री है, लेकिन मैंने ऐप्स इंस्टॉल किए इसके अंदर और कुछ और डाटा वगैरह, तो करीब 49 GB आपको इसमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगी फ्री। और कुछ ऐप्स करने के साथ, बेसिक ऐप्स करने के बाद और डाटा करने के बाद आप देख सकते हैं क्या है। और रैम की तरफ आए तो 2.06 रैम यूज़ हो रही है, 1.58 फ्री है, टोटल आपको 3.64 GB मिल रही है। और ये रैम कुछ ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद है, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट वगैरह है। और बैटरी की तरफ आए तो ये 69% पे शो कर रहा है, 20 आवर्स लेफ्ट है, तो बैटरी अच्छी है, बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर अच्छा मिल रहा है। ये बेसिक चीज़ें थी डिवाइस के बारे में, इस वीडियो में हमने अनबॉक्स किया। मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा इस फोन की, उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।